नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो जहां हमने बात करना शुरू किया था क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, और तब से अब तक क्रिप्टो बाजार ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया है। बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई हमने बनता हुआ देख लिया, और इसी शो के दौरान बहुत से हमने ऑल्ट कॉइन्स के हाई बनते हुए देखे। अलग अलग कॉइन्स जो लॉन्च हुए उन पर हमने हमारे एक्सपर्ट से चर्चा की, उनसे समझने की कोशिश की कि वो किस तरीके से देख रहे हैं बाजार को और हमें किस तरीके से काम करना है बाजार में, क्रिप्टो बाजार में। पूनम मैम के साथ जुड़ते हैं हर मंडे को और उनसे समझते हैं कि किस स्ट्रेटजी के साथ, किस माइंडसेट के साथ हमें क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी होती है या इन्वेस्टमेंट करनी होती है। आज एक बार फिर से उनके साथ जुड़ेंगे और उनसे समझते हैं कि बीटीसी का प्राइस जो है फाइनली काफी दिन बाद 65,000 के आसपास हमें नजर आ रहा है, तो ये कितने दिन तक यहाँ पर हमें दिखेगा, यहाँ से कितना ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। और डोमिनेंस एक बहुत अहम सवाल होता है, डोमिनेंस से हम काफी सारी चीजें समझ सकते हैं, तो वो भी मैम से समझते हैं फटाफट से कि मैम किस तरीके से बाजार को देख रहे हैं और किस स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में इस वक्त हमें काम करना चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम मैम। Hi Shivani, good morning. How are you doing? मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा रहा होगा। लेकिन क्रिप्टो वालों के लिए ऐसा जो वीकेंड है वो बहुत ज्यादा काम का होता नहीं है, क्योंकि उन्हें उस दिन भी मौके जो है वो मिल जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट की तरह ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो अब आप आराम से रेस्ट कीजिए और इंजॉय कर सकते हैं। क्रिप्टो वाले हर वक्त एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं और ये एक अच्छी चीज भी है कि आप महीने के जितने भी 30-31 दिन है वहां पर ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं। मैम सबसे पहले तो हम एक बार बिटकॉइन पर आपकी राय जानना चाहेंगे। इस वक्त उसका प्राइस जो है वो जिस तरीके का आज दिखाई पड़ रहा है वो काफी लंबे समय बाद यहाँ पर आकर दिखाई पड़ा है हमें, तो अब क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें? ऑल टाइम हाई वापस से ब्रेक होगा और ऊपर जाएगा, दिसंबर तक हमें क्या कुछ देखने को मिल जाएगा, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? सो जो पुराना ऑल टाइम हाई था जो कि अराउंड 20 अक्टूबर के आसपास बनाया था, दैट वाज 66,800 जी। सो अभी आई थिंक वहां तक तो पहुंचने ही वाला है, आज और कल में वी कैन सी दोस प्राइसेस। बाकी बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी आर एक्सपेक्टिंग कि 70,000 तक यू नो टच कर सकता है बिटकॉइन, बट जो मूवमेंट रहेगा वो ग्रेजुअल रहेगा, बिकॉज अभी आपने देखा होगा यू नो 62 से 65 तक अभी पहुंच गया है विदिन 12 आवर्स, लास्ट 12 आवर्स, तो अभी आई थिंक ये कंसोलिडेट होगा, साइड वाइज चलेगा। इसकी जो मूवमेंट है उसकी वजह से अल्टकॉइन जो है सफर कर रहे हैं, तो आई फील अभी थोड़ा कंसोलिडेशन बीटीसी में आएगा एंड उसके बाद यू नो विल सी मूवमेंट इन अल्टकॉइन्स। बाकी 70,000 को वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस वीक के एंड तक टच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीक के एंड तक अच्छे टारगेट्स आपको बीटीसी में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है मैम, एक अहम सवाल होता है, डोमिनेंस समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है नए जो भी लोग आते हैं बाजार में, उन्हें एग्जैक्टली ये सारी चीजें जो है, ये टर्म्स बहुत सिंपल हैं, एक्सपर्ट्स को आसान लगती होंगी, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है पूरे बाजार में बहुत ज्यादा होता है। तो हमारे बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं जब तक डोमिनेंस बिटकॉइन में ज्यादा नहीं आएगी तब तक हम इसका बहुत एक अच्छा अमाउंट जो है आता हुआ नहीं देखेंगे, एक अच्छा प्राइस नहीं मिल पाएगा डोमिनेंस के बिना। तो हमें समझाइए एक बार फिर से कि डोमिनेंस एग्जैक्टली क्या होती है और किस तरीके से क्रिप्टो में डोमिनेंस काम करती है और इसके हिसाब से किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है उसे बदला जा सकता है, कि अभी ऑल्ट्स में अच्छी डोमिनेंस बनी हुई है तो वहां पे काम किया जाए, या एग्जैक्टली किस तरीके से आप लोग एक्सपोर्ट लोग इस चीज को यूज करते हैं? जी, सो बिटकॉइन डोमिनेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है मार्केट को समझने में और प्रिडिक्ट करने में। क्या होता है, जो वॉल्यूम है मार्केट का, यू नो वॉल्यूम इन द सेंस जो भी ट्रेडिंग कैपिटल है या जो भी मेजर इन्वेस्टमेंट है वो बिटकॉइन में जब आता है, जब बिटकॉइन का डोमिनेंस इंक्रीज होता है, बिटकॉइन डोमिनेंस मींस जब बिटकॉइन में जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो इंक्रीज होता है तो मार्केट बिटकॉइन ऊपर जाता है, लेकिन जो अल्टकॉइन्स हैं वो यू नो ऑपोजिट मूव करते हैं, बिकॉज जो अल्टकॉइन्स में जो कैपिटल या इन्वेस्टमेंट होता है, जो वॉल्यूम होता है वो बिटकॉइन में आ जाता है। सो बिटकॉइन डोमिनेंस एंड मार्केट का जो परफॉर्मेंस है यू नो ये ऑपोजिट कह सकते हैं, दे आर लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रहा है अपने सपोर्ट को टच कर रही है। इसका भी चार्ट होता है, इफ आई कुड अगर आप चाहें तो आप भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनको दिखा सकते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस भी बाकी लोगों की बाकी चार्ट की तरह बिटकॉइन डोमिनेंस का भी चार्ट होता है। एंड आप देखेंगे कि ये 1030 से टच करके अभी ऊपर की ओर मूव कर रहा है, 1071 तक पहुंच गया है बिटकॉइन डोमिनेंस। सो जब बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है तो अल्ट्स आप देख रहे होंगे कि सारे नीचे जा रहे हैं। सो ये अपोजिट मूवमेंट होता है। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस को जिस अगर आप ट्रैक करते रहेंगे तो आपको मैम क्या आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं व्यूअर्स के साथ, पॉसिबल होगा इस वक्त आपके लिए? जी। आपको नीचे शेयर का ऑप्शन दिखाई देगा तो वहां पे आप अपना स्पेसिफिक जो क्रोम टैब है वो शेयर कर सकते हैं। ओके। इसके बाद किटी मल्होत्रा जी आपसे बीएनबी चेन लिंक और पोलका डॉट पर राय जानना चाह रहे हैं, तो ये भी सवाल लेंगे हम। सो आई एम ट्राइंग टू शेयर लेकिन आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, मैं शेयर कर नहीं पा रही हूँ। एक मिनट। हाँ शायद हो गया जी। इज इट विजिबल? यस मैम। मैम आप ऐसे स्पेसिफिक टैब में रहिएगा, ठीक है? आप स्विच मत करना या फिर आप स्पेसिफिकली वो टैब शेयर कर सकते हैं जब आप जी share... मैं आपको डोमिनेंस का चार्ट दिखाना चाह रही थी जी। सो ये क्या मेरे स्क्रीन विजिबल है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्क्रीन हमें विजिबल है और हम देख पा रहे हैं इसे। सो जैसे आप देखेंगे कि ये बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है। अगर आप यहाँ पर, मैं आपके व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगी कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं इंडिकेटर्स हैं, यहाँ पे देयर इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है एंड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप वॉल्यूम देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में तो देखेंगे कि ये ग्रीन कैंडल्स देखने को मिले। दैट मीन्स ये जो बिटकॉइन डोमिनेंस है अपने सपोर्ट को टच करके अभी ऊपर की ओर मूव किया है। सो पिछले 12 घंटे में जब बिटकॉइन डोमिनेंस ने अपर मूव किया है, अल्टकॉइंस में आप देखेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ है। बिल्कुल। सो बिटकॉइन डोमिनेंस हमें मदद करता है मार्केट को प्रिडिक्ट करने में। एंड इसको भी समझना, देयर इज नथिंग टेक्निकल अबाउट इट। जिस तरीके से आप चार्ट्स को समझते हैं उस तरीके से आप बिटकॉइन डोमिनेंस को समझ सकते हैं। And, उसके हिसाब से बाजार में काम किया जा सकता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता होगा मैम जो एक्सपोर्ट्स है उनके ट्रेडिंग में, और ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। इसे समझा जाए तो उसके हिसाब से फिर जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं शो को, वो अपनी स्ट्रेटजी को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं, डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है? नहीं नहीं, एक्चुअली फॉर ट्रेडिंग बिटकॉइन डोमिनेंस काफी एक टॉर्च या गाइड की तरह काम करता है। जब भी जैसे हमें पता है कि बिटकॉइन अभी डोमिनेंस सपोर्ट को टच करने वाला है, अपना जो नेक्स्ट सपोर्ट है उसको टच करने वाला है, तो जब नीचे जा रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस तो अल्टकॉइंस ऊपर की ओर मूव करेंगे, तो हम लॉन्ग एंट्री या एंट्री ले सकते हैं अल्टकॉइंस में। उस तरीके से भी वी प्लान एंट्री एंड एग्जिट। अभी अभी जो डोमिनेंस है वो ऊपर जा रहा है, तो अगर हमारा प्रॉफिटेबल कोई ट्रेड है तो वी प्रेफर कि अल्टकॉइंस में वो प्रॉफिट को हम एग्जिट कर ले। एंड उसके बाद जब डोमिनेंस वापस अपना रेजिस्टेंस को टच करके नीचे की ओर आएगा तब हम अपने अल्टकॉइंस में एंट्री प्लान करते हैं। सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए बिटकॉइन डोमिनेंस, क्योंकि हम देखते हैं कि बिटकॉइन ही पूरे मार्केट को गाइड करता है एक तरीके से, तो जो डोमिनेंस है उसकी मदद से ही हम अल्टकॉइंस में एंट्री एंड एग्जिट प्लान करते हैं। ठीक है, तो डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली एंट्री और एग्जिट प्लान होता है। इंटरेस्टिंग चीज है, इसे समझा जाएगा तो और थोड़ा इजी हो जाएगा। मैम आपने अभी कहा कि डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली आप जो है ऑल्टकॉइन से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं,
लेकिन क्या ये सही टाइम नहीं होगा व्यूअर्स के लिए इन्वेस्ट करने का, क्योंकि सस्ते भाव पे उन्हें वो वाले ऑल्टकॉइंस मिल जाएंगे जिनमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है? तो इस पर थोड़ा और क्लेरिफिकेशन शायद चाहिए होगा। जी जी जी। सो बिटकॉइन जब ऊपर मूव हो रहा है और अल्टकॉइंस नीचे जा रहे हैं, तो यू नो अगेन इट इज अगेन वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो जाती है आप अगर एंट्री लेना चाहते हैं। बट अगेन चार्ट्स इंपॉर्टेंट है अल्टकॉइंस में भी, जो सपोर्ट पर है हम यू नो सजेस्ट करेंगे दैट अगर आप अल्टकॉइंस में एंट्री लेना चाहते हैं तो जो ऑलरेडी सपोर्ट पर है या फिर अपने यू नो जो डिप बाय करने का भी मौका मिलता है, सपोर्ट बाय करने का भी मौका मिलता है, तो डेफिनेटली ये जो है यू नो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो देते ही है। बट अल्टीमेटली ये वन ऑफ द पैरामीटर है जिससे हम यू नो डिप एंट्री ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी अपॉर्चुनिटीज अल्टकॉइंस में काफी मिलती रहती है, जहां पर यू नो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल ADA पिछले एक दो हफ्ते से इट वॉज स्टैग्नेंट, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ADA यू नो अभी वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, इट्स काइंड ऑफ स्टेबल पॉइंट, लेकिन अभी बिटकॉइन ऊपर जा रहे हैं, अल्टकॉइंस नीचे जा रहे हैं, लेकिन ADA में आप देख रहे हो यू नो अपर मूव देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से अल्टकॉइंस हमको अपॉर्चुनिटी देते रहते हैं ट्रेड करने के लिए, तो इस तरीके से यू नो यू कैन टेक एंट्री। बाकी अभी XRP भी अपने यू नो ब्रेकआउट किया है, आज अभी ब्रेकआउट कर रहा है एंड ब्रेकआउट के बाद मूव कर रहा है, तो XRP में भी आप पिछले हफ्ते एंट्री ले सकते थे। अगर फिर से आप यू नो और अपॉर्चुनिटीज देखना चाहें तो अभी बिट शेयर्स में आप एंट्री ले सकते हैं, वो भी अपने यू नो 50% मूव दे सकता है अपकमिंग एक हफ्ते में, तो बिट शेयर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस। तो इस तरीके से यू नो मार्केट के साथ और मार्केट के अलावा मतलब आपको ये आउटलायर्स तो हमेशा मिलते ही रहेंगे कि जहां पे बिटकॉइन डोमिनेंस को समझ के आप एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाहर भी आपको यू नो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फॉर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, अभी मौके तो बहुत मौजूद हैं। मैम बिट शेयर में आप क्या टारगेट्स देख रही हैं आने वाले समय में? अभी करंट मार्केट प्राइस 0.05145 USDT दिखाई पड़ रहा है चार्ट्स पे, तो इस लेवल पर एंट्री बनाई जा सकती है क्या? जी जी। सो बिट शेयर्स में आप अभी एंट्री ले सकते हैं, जो 0.49 है दैट इज अ स्ट्रांग सपोर्ट, 0.49 टू 0.51 अभी जो प्राइसेस है वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। जो टारगेट रहेगा फॉर वन वीक द टारगेट विल बी अराउंड 0.55 which is I think yahan se 10% ka move rahega, give me few seconds. Okay, ji, so from here 0.55 will be around 10% move ek hafte mein mil jayega, एंड 13 नवंबर के बाद तो वैसे भी यू नो अल्टकॉइंस का मूवमेंट ऐसा प्रिडिक्टेड है कि काफी अच्छा मूव रहेगा, तो एक हफ्ते में 10% मिलेगा आपको बिट शेयर्स में एंड 30% आई एम एक्सपेक्टिंग, जो कि 0.064 है, 0.064 पर आप अगला टारगेट अपना बनाकर रख सकते हैं, ठीक है, एंड फिर उसके बाद 0.7 एंड अब अगर यू नो सही मूव किया तो फिर आपको 2x और 3x लॉन्ग टर्म मींस 1 month में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, एक महीने के अंदर अंदर अच्छे टारगेट्स और 30% का रिटर्न बहुत तगड़ा रिटर्न रहेगा क्रिप्टो वालों के लिए, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस वक्त मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है मैम, ये तो हमने बात कर ली ऑल इन ऑल आप बाजार को किस तरीके से देख रहे हैं और आपको खुद को कहाँ पे मौके नजर आ रहे हैं। अब कुछ सवाल ले लेती हूँ। BNB पर किटी मल्होत्रा जी जानना चाह रही हैं आपसे कि वो कैसा लग रहा है। BNB काफी अच्छा मूव उसने दिखा दिया है, वो किस वजह से हुआ है वो भी बताइए। क्या जो नए कॉइन लॉन्च हो रहे हैं उसकी वजह से वो इतना अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर एग्जैक्टली क्या रीजन है बर्न हुआ है इस वजह से, या क्या कारण है BNB के इतना अच्छा परफॉर्म करने का? सो BNB जैसे हम जानते हैं कि यू नो क्रिप्टो डोमिनेटिंग एक एक्सचेंज है,
तो ऑब्वियसली यू नो परफॉर्मेंस बीएनबी का सबसे अच्छा रहता है इन ऑल द एक्सचेंज टोकन्स में, वजीरेक्स एंड ऑल दैट. बट अगेन इसके साथ साथ द मेन रीजन व्हाई बीएनबी इज इंक्रीजिंग एज ऑफ नाउ इज बिकॉज आपको भाई यू नो काफी सारे नए टोकन लॉन्च हो रहे हैं एंड बीएनबी इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग. मतलब वो अपना जो बीएससी टोकन है, बीएससी जो ब्लॉकचेन है बीएनबी का, उसमें भी काफी यू नो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं जो मार्केट वैल्यू है ऑफ द कंपनी वो इंक्रीज हो जाती है एंड ट्रस्ट फैक्टर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. जो लोगों का ट्रस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है. तो ऑल दीज फैक्टर्स कलेक्टिवली यू नो उसको पंप कर देते हैं. बीएनबी इज ऑल्सो कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेट गुड इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म. तो ये सारे कलेक्टिव रीजंस बीएनबी का यू नो जो टोकन है उसको इंक्रीज करते हैं. बाकी फॉर मी मोस्टली एज ऑफ नाउ तो मैं सिर्फ चार्ट देख के ही यू नो ट्रेड करती हूँ. तो चार्ट के बेसिस पे तो वी बॉट इट एट यू नो सपोर्ट पे बाय करके और रेजिस्टेंस पे सेल करना. तो अगर आपको कारण ना भी पता हो, बिकॉज कारण तो यू नो ऊपर नीचे मार्केट वॉलिटिलिटी के कोई ना कोई नया कारण हर दिन आता ही रहता है. बट इफ यू रियली वॉन्ट टू यू नो सिर्फ ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना, तो आप सिर्फ चार्ट के बेसिस पे भी आप और काफी अच्छा प्रॉफिट भी काफी अच्छा कमा सकते हैं आप, छोटा मोटा प्रॉफिट भी नहीं, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है. और बाकी बीएनबी ने अपने आप में काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया. अगर एक साल का भी चार्ट देखें तो किस लेवल से उठकर वो अब कहाँ पर है, उस वजह से वो और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है किति जी. और मैम का कहना ट्रेडिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं, उन्हें सपोर्ट पर खरीद के रेजिस्टेंस के आसपास उन्हें बेचा जा सकता है. लॉन्ग टर्म के लिए भी बीएनबी लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा काम कर लिया है अपने कॉइन पे. अदरवाइज एक टाइम होता था जब जो एक्सचेंजेस हैं उनके कॉइन सिर्फ रेफरल के हिसाब से मिल जाते थे या किसी वजह से मिलते थे, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर जाने की उनमें गुंजाइश नहीं होती थी. बाइनेंस ने अपने कॉइन पर बहुत ज्यादा काम किया है, इनोवेशंस की हैं और बहुत अच्छे तरीके से जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उस वजह से उसका प्राइस जो है बढ़ रहा है. लोगों को फिर उसमें पोटेंशियल दिखाई देने लगता है इस वजह से. ठीक है जी. न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी जो यू नो बाइनेंस ने, मैंने प्रीवियस एपिसोड में कवर किया था, बताया था दैट बाइनेंस ने एक सेपरेट फंड लॉन्च किया है फॉर इन्वेस्टिंग इन न्यू टोकन्स. तो कहीं ना कहीं ये जो प्लेटफॉर्म है एंड जो सिक्योरिटी एंड यू नो नंबर ऑफ लिस्टेड टोकन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी बीएनबी एक मार्केट में यू नो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट को कवर करता है, वैल्यू क्रिएट करता है. तो दैट्स व्हाई यू नो अभी बुल मार्केट भी है तो $1,000 इन द लॉन्ग रन वी आर एक्सपेक्टिंग कि बीएनबी आसानी से पहुंच जाएगा, व्हिच इज जस्ट यू नो 300-350 फ्रॉम नाउ. तो $1,000 तक भी पहुंच जाएगा. बट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बीएनबी को रख सकते हैं, बिकॉज जो कैश बर्न होगा या फिर एयर ड्रॉप भी होगा. यू नो बीएनबी आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो जो एयर ड्रॉप है उससे आपको और टोकन्स मिल जाएंगे. So for example, if you have 1000 BNBs, so you may get, you know, 5%, 3% more BNB tokens in the long run. So इस तरीके के airdrop आते रहते हैं. जो crypto में सबसे बड़ा फायदा of keeping different tokens in portfolio, उन जो important tokens हैं उनका जो airdrop है उससे आपको और tokens मिल जाते हैं, you know. या जो staking करते हैं तब वहां पर भी ये facility होती है कि आपको और extra 5% tokens मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जिन लोगों के पास डॉट पोलका डॉट था उनके पास यू नो एयर ड्रॉप में दे गॉट अकाला ACLA. सो ये एक नया यू नो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो ये फैसिलिटी क्रिप्टो में मिलती है लोगों को. तो वो एक प्रॉफिट जनरेटिंग का एक नया और साइड यू नो एक पैरेलल इनकम के लिए एक साइड ऑप्शन होता है. तो इस तरीके की फैसिलिटीज के लिए आप यू नो अपना लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो बना के रख सकते हैं, बीएनबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोलका डॉट में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बाकी टोकन्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. डॉट शायद उन्होंने पूछा हुआ ही है मैम हमसे, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. जी पोलका डॉट पे उनका सवाल आया है. ये भी 52.58 के आसपास इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है और पोलका डॉट ने भी काफी अच्छा परफॉर्म इस बुल रन में तो किया ही है. आगे का सिनेरियो पोलका डॉट में क्या नजर आता है और $100 तक आप का कोई प्रेडिक्शन कब तक देखने को मिल सकता है, अगले साल, उसके अगले साल या कब तक?
$100 कोई मतलब बड़ी मोमेंट नहीं है. आई थिंक अगले 2022 में जी अप्रैल 2020 तक हमको 2022 जो कि अब से यू नो 6-7 मंथ्स में देखने को मिल सकता है. सो बट ये है कि डॉट एज ए पूरा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है. हम वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड ट्रांजेक्शन फीस कम कर रहे हैं, NFT लॉन्चेस कर रहे हैं एंड सारे मेटावर्स जो न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी डॉट की हेल्प ले रहे हैं. तो इस वजह से यू नो डॉट पूरा इकोसिस्टम एक इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम बन जाता है एंड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड यू नो अभी भी प्राइसेस बहुत ही अच्छे हैं. आप अभी भी बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यू नो 3-4 ईयर्स. बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो ट्रेडिंग ही करना है तो फिर आपको और भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी. बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए आपको और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी. लेकिन ये कुछ अच्छे कॉइन्स जिन पर बहुत बात होते हुए आप देखते हैं, जिनके फंडामेंटल्स आपको अच्छे लगते हैं, उन्हें तो होल्ड करके चलना बहुत अच्छा रहेगा. क्योंकि क्रिप्टो में अगर आपने देखा होगा होल्ड जो करते हैं उन लोगों का एक अलग ही रुतबा होता है क्रिप्टो में, तो होल्ड जरूर आप करके चलें. चेन लिंक मैम कैसा लग रहा है इस पर भी उन्होंने पूछा है. जी सो लिंक प्राइसेस अभी है 33 एंड ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है 33 पर, 33 to 35. तो अगर 35 क्रॉस करता है चेन लिंक आज या एक दो दिन में then we can expect ki jo prices hai wo next is 42 tak you know pahunch jayega. theek hai so 35 is the next resistance. once 35 cross kiya to fir then we'll reach 42. to chain link mein bhi agar aapne abhi you know buy kiya hai to aap continue kar sakte hain hold karna and 32, 42, तो इसको थोड़ा सा आप होल्ड करके चलेंगे तो अच्छा रिटर्न आप इसमें आते हुए देख लेंगे. ठीक है मैम. ठीक है इसके बाद वेट पर गौरव जी का सवाल आया है, ये कैसा लग रहा है मैम. और एलआरसी ने भी काफी अच्छा मूव दिखाया था कुछ दिन से, टॉप गेनर में मैं उसको देख रही थी, अभी कैसा लग रहा है. सो वीचेन मैंने भी पहले भी सजेस्ट किया है आप अभी यू नो इट्स टेकिंग सपोर्ट एट 0.15 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उस पर सपोर्ट किया है एंड अब यहाँ से मैं इसको यू नो ऊपर ही देखते हुए ऊपर की ओर जाते हुए देख रही हूँ. तो अगला जो टारगेट रहेगा हमारा ऑल टाइम हाई रहेगा दैट विल बी 0.25. तो अगर आप यू नो होल्ड किए हुए इसको तो आई सजेस्ट कि आप 0.25 तक होल्ड करें. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर यू नो रिवर्सल देखने को मिल रहा है या ऊपर की ओर जा रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग 0.25 पर पहुंचने के बाद हम प्लान करेंगे कि एग्जिट किया जाए या यू नो कंटिन्यू करके होल्ड किया जाए. ठीक है सो 0.25 तक तो आप यू नो वेट कीजिए. और एंड इट्स अ गुड कॉइन, वीचेन इज अ गुड कॉइन एंड आई थिंक नवंबर में कुछ इवेंट्स भी हैं तो आप सजेस्ट कि आप उसको होल्ड रखिए अभी. 0.25 का लेवल मैम कब तक आते हुए देख रहे हैं आप, 1 महीने के लिए, 2 महीने, कब तक के लिए. आई थिंक काफी समय से कि कंसोलिडेशन चल रहा है तो जिस दिन भी ब्रेकआउट हो जाएगा एक दो वीक कह सकते हैं आप यू नो बाय द एंड ऑफ नवंबर आई एम एक्सपेक्टिंग कि ब्रेकआउट होना चाहिए एंड 0.25 तक पहुंचना चाहिए. ठीक है तो ये जब भी ब्रेकआउट होगा एक अच्छा जो लेवल मैम ने बता दिया है इस टारगेट का इंतजार किया जा सकता है और अच्छा टारगेट. एलआरसी पर भी इनका सवाल आया हुआ है तो एक बार ये देखते हैं मैम इसमें क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटेजी इस वक्त रखनी है. और so, LRC, काफी ब्रेकआउट करके 1.58 तक ऑलरेडी आज पहुंच गया है. तो आई सजेस्ट इसमें अभी एंट्री यू नो इससे बेहतर एंट्रीज या अपॉर्चुनिटीज आपको दूसरे टोमर्स में मिल जाएंगे बिकॉज ये काफी ऊपर पहुंच गया है एंड अब यहाँ से कितना ऊपर जाएगा वी डोंट नो एग्जैक्टली अभी क्योंकि इसमें चांसेस है रिवर्सल भी हो सकता है. तो यू नो अभी आई सजेस्ट की आप यू नो एलआरसी को अभी छोड़ दीजिए थोड़ा और अगर हमको नया अपॉर्चुनिटी कोई मिलेगा तो विल ट्राई टू इन्वेस्ट
बाकी वी चेन है, बिट शेयर्स है, XRP है, BLZ है, SKL है, आप इन सब में भी एंट्री ले सकते हैं, जो कि LRC की तरह ही मूव करने के चांसेस हैं जिनमें, बिकॉज LRC ने अपना जो मूवमेंट था इस बुल रन में वो दिखा दिया है। बिल्कुल तो आई सजेस्ट कि आप ऑलरेडी जो टोकन अपने सपोर्ट पे हैं उनमें एंट्री लेंगे, वो कम कीमत में आपको अच्छा टोकन मिल जाएगा और उसमें मूव भी काफी अच्छा रहेगा, सो उनमें भी आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है मैम। तो LRC पर गौरव जी ये राय आपको मिल गई है, ऑलरेडी बहुत अच्छा इसने परफॉर्म कर दिया है। तो इसके अलावा जहां पर आपको मौके दिख रहे हैं, जहां पे आपको लगता है पोटेंशियल रखते हैं कॉइन्स, उन कॉइन्स की तरफ अगर जाएंगे तो वहां से आप प्रॉफिट और ज्यादा कमा सकते हैं। ऑल्दो अभी मैम मुझे लगता है कि जब हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं और सही होल्डिंग पावर हो तो अच्छे कॉइन्स आपको हमेशा रिटर्न तो देते ही हैं, प्रॉमिसिंग रहता है वो एक चीज पक्की है। लेकिन फिर भी क्रिप्टो में जब आप होते हैं तो एक्सपर्ट्स को आपने सुना होगा बोलते हुए कि और अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और अच्छे लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि क्रिप्टो वालों को बड़े रिटर्न की, बड़े प्रॉफिट की आदत हो चुकी होती है, इसलिए वो जहां पर भी उनको थोड़ा भी कम प्रॉफिट दिख रहा होगा वो वहां पे सीधा सीधा आपको दूसरे कॉइन सजेस्ट कर देते हैं। दीपक मल्होत्रा जी एविक्स और सोलाना पर राय जानना चाह रहे हैं। मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, एक मिनट। ओके नो इश्यूज मैम। आई एम नॉट एबल टू सी द विंडो, बस ऑडियो काम कर रहा है। तो सोलाना और एवेक्स का मैं आपको आइडिया दे देती हूँ चार्ट्स को बिना देखे ही, कि ऑलरेडी एवेक्स पिछले 2-3 दिन से अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगेन वही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर एंट्री लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर वीकली या बाई वीकली हफ्ते 2 हफ्ते के लिए कुछ प्रॉफिट चाहते हैं, तो फिर आई सजेस्ट कि जो कम कीमत वाले टोकन है उनमें आप एंट्री लीजिए। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं तो सोलाना भी $1,000 पहुंचेगा, बट तो अगेन फिर वही है कि आपको उनमें इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा बड़ा कैपिटल अमाउंट की जरूरत पड़ेगी अगर प्रॉफिट परसेंटेज वाइज ज्यादा कमाना है तो। बाकी इस हफ्ते तो सोलाना अभी नीचे जा रहा है एंड 220 तक पहुंच सकता है, तो ठीक है अगर आप सोलाना में एंट्री ही लेना चाहते हैं और अच्छी एंट्री प्राइस चाह रहे हैं तो 220 तक आप वेट कर सकते हैं, कि 220 पे आप ले सकते हैं। एंड एवेक्स में आप एंट्री अगर लेना चाहें तो आई सजेस्ट, अभी तो काफी ऊपर हो गया है, थोड़ा रिवर्सल आएगा तब आप एंट्री प्लान कीजिए अराउंड 80। ठीक है सो आई थिंक अभी $80 दो के। दिन से ऊपर ही जा रहा है एंड अभी भी 93 तक पहुंच गया। बिल्कुल 93.20 चल रहा है एविक्स। तो दीपक जी आपके लिए राय, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो $220 के आसपास सोलाना पे खरीदारी कर सकते हैं। एविक्स पर $80 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं, ये अच्छे लेवल होंगे। कॉइन्स दोनों अच्छे हैं, टारगेट जो सजेस्ट किए थे अगर याद होगा तो पूनम मैम ने सोलाना पर प्रिडिक्ट किया हुआ है कि वो $2,000 जाने का भी पोटेंशियल रखता है। अभी इनिशियली आप $1,000 का टारगेट उस पर सेट करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा, और डिप का इंतजार कीजिए फिर खरीदारी कीजिए। क्योंकि एक्सपोर्ट्स के लिए ये सेम कॉइन जब INR में वो 5,000 या 5,500 के आसपास था तब सजेस्ट कर रहे थे वो लोग। अब अगर आप खरीदारी के लिए कहते हैं तो अभी लगभग लगभग 20,000 के आसपास टच कर चुका है वो INR में, और इस वजह से जो है कि वो इतना अच्छा प्रॉफिट, 15,000 का प्रॉफिट केवल एक कॉइन दे चुका है इस छोटे से टाइम फ्रेम में। इस वजह से लेवल का थोड़ा ध्यान रखिए और इन लेवल के आने का वेट कीजिए, फिर खरीदारी करके चलिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है मैम। दीपक और मनोहर आप कैपिटल जी अभी सोलाना और एवेक्स में जैसे एंट्री नहीं ले पा रहे हैं तो आई सजेस्ट आप हेबार, जो हेडरा प्रोजेक्ट है HBAR, जी उसमें आप एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज वो भी सोलाना इकोसिस्टम में काम करता है एंड तो आप अच्छा अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। टारगेट्स विल बी अराउंड 0.55 फॉर 2-3 हफ्ते के लिए, तो है बाद में आप एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा कॉइन हो सकता है। इस पर पहले भी रिकमेंडेशन आ चुकी है पूनम मैम की तरफ से, राहुल सर की तरफ से, प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है और जो टारगेट्स हैं वो भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं।
अभी ही एक काफी अच्छा मूव इसने दिया हुआ है, तो वो भी आप फॉलो करके चलिए। तो जो भी कॉल्स आपको मिल रही है उन पे आपको जितना रिसर्च वर्क करना है करिए, और उसके बाद फिर उन पे टाइमली एंट्री लीजिए और ये चांस मिस मत कीजिए। जैसे आज का ही देख लेंगे तो 0.39 से 0.41 के पास दिखाई दे रहा है, रिकमेंडेड काफी दिन पहले का है फाउंडर इंडिया पे, उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। ठीक है गौरव जी, मैम जिल पर आपकी राय पूछ रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए इन्हें, ये आपकी रिकमेंडेशन थी जी। सो जिल मैंने रिकमेंड किया था आपको अराउंड 0.10, अभी आप उसको होल्ड करके रखिए एंड जिल में यू नो हमको काफी अच्छा मूव देखने को मिलेगा एंड अभी भी बिल्कुल सपोर्ट पर ही है। इसमें हमें अवैक्स और ये जो अभी रिसेंट लूप रिंग जैसा मूवमेंट देखने को मिला है, ये इस तरीके का यू नो एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा एंड जो कैपिटल है वो डेफिनेटली 2x तो आपको रिटर्न्स देकर जाएगा। तो आप यू नो अपने जो हैंड्स है, इट सेड दैट यू नो यू नीड टू हैव डायमंड हैंड्स टू बी इन क्रिप्टो, तो आप होल्ड करके रखिए एंड 0.15 एंड 0.2 तक तो डेफिनेटली जाएगा ही, तो which is 2x from now, तो आप उसको यू नो आई सजेस्ट कि होल्ड करके रखिए एंड जल्द ही 13 नवंबर से इट विल सी गुड मूवमेंट इन ऑल द altcoins। ठीक है, तो अभी से एंट्री बना के रख लीजिए, बहुत लंबा टाइम फ्रेम नहीं है तो आप अच्छा जो मूवमेंट है वो देख लेंगे। अभी एंट्री बनाना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा हम लोगों के लिए, जो भी अच्छे कॉइन्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहे हैं, रिकमेंड किए जा रहे हैं, उन पर अभी एंट्री बनाई जा सकती है। 8 नवंबर है आज और सैटरडे 13 नवंबर से एक्सपोर्ट्स अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं ऑल्ट कॉइन्स में, तो उसकी तैयारी अगर अभी से कर ली जाएगी तो जो आप लोगों के साथ सैंडबॉक्स में हुआ था या फिर मेटावर्स में हुआ था वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी। उससे पहले से ही अगर थोड़ा सा प्रिपरेशन हो जाए तो अच्छा प्रॉफिट कमाने की गुंजाइश रहती है। मैम दीपक मल्होत्रा जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, व्हेन यू से एयर ड्रॉप देन वेदर इट इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड इन अकाउंट और व्हाट इज द प्रोसीजर, उन्हें कुछ करना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इनका अकाउंट शायद वजीरेक्स में होगा, तो एग्जैक्टली किस तरीके से काम करती हैं ये चीजें। सो जिसके पास वो टोकन अपने वॉलेट में रहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी वो टोकन हैं तो आपको ऑटोमेटिकली यू नो यू विल रिसीव द एयर ड्रॉप, आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करना होता। अगर जिस डेट में अनाउंसमेंट है उस डेट में अगर आपके वॉलेट में वो सर्टेन अमाउंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट रहता है वो अगर है तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको यू नो अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है फॉर एयर ड्रॉप। फॉर आईडियोज आपको यू नो अलग से लॉग इन और साइन अप करना होता है, आईडियो इज बेसिकली किसी भी नए टोकन का जो लॉन्च होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक तरीके का गिव अवे होता है जहाँ पे आपको यू नो अपने केवाईसी रिक्वायरमेंट्स को सबमिट करना होता है, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग, विल कवर इन डिफरेंट यू नो अनदर एपिसोड। एयर ड्रॉप में आपको कुछ करना होता है, अगर आपके पास होल्डेड है तो आपको ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाता है। ठीक है मैम, मैम ज़िल पर अभी एंट्री कर सकते हैं या नहीं, ये गौरव जी पूछ रहे हैं। जी अभी भी आप एंट्री कर सकते हैं ज़िल में, इट इज वेरी मच अ सपोर्ट एंड बेस्ट टाइम, मतलब आप 0.11 के नीचे कभी भी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो 0.11 के नीचे कभी भी एंट्री ली जा सकती है और उसके बाद टारगेट्स तो बता ही दिए गए हैं। ठीक है, ओके पूनम मैम, काफी अच्छी डिस्कशन, काफी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए गए हैं और इसी तरीके से अगर हमारे व्यूअर्स अपने सवाल भेजते रहें तो काफी अच्छा लगता है कि अब फाइनली जो हम करना चाह रहे थे क्रिप्टो लाइव के जरिए वो फाइनली हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को भी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से किया जाता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मिसिंग थी क्रिप्टो में, तो ये अब होने लगी है। अब धीरे धीरे लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं और यही शायद हमारा मकसद भी था, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग डिस्कशंस आपसे करते रहेंगे, अगली बार आपसे सीखेंगे कि लॉन्च पैड्स में किस तरीके से काम करें हम और किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जाए, क्या लॉन्च होते ही एग्जिट मार जाना होता है या होल्ड करना होता है, एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, तो उस पर नेक्स्ट डिस्कशन आपसे करते हैं। आज के लिए काफी अच्छी डिस्कशन हो गई है, थैंक यू सो मच पूनम मैम अपना वक्त हमारे व्यूअर्स को देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच मैम।
तो ये थे हमारे साथ पैसा रोज के फाउंडर पूनम सिंह। बहुत अच्छे तरीके से आज काफी सारे कॉइन्स कवर कर लिए हैं। हमारे सभी व्यूअर्स जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, आप इसी तरीके से अपडेट्स लेते रहिए, अपने सवाल भेजते रहिए, हम हमारे एक्सपर्ट से कंफर्म करते रहेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी को बदलना है, क्या करना है एग्जैक्टली बाजार में। और बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के काफी पास बैठा हुआ है इस वक्त, और इस पर एक नज़र हम बनाकर रखेंगे अपनी कि ये कैसे ब्रेक होगा, और डोमिनेंस वाली जो चीज़ आज हमने सीखी है उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और अच्छा प्रॉफिट जो है हम कमा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे एक्सपोर्ट्स लोग बहुत अहमियत देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसे फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे हमारे व्यूअर्स को भी करनी होंगी एक्सपर्ट्स बनने के लिए। आने वाले समय में आप ही लोग एक्सपर्ट बनने वाले हैं क्रिप्टो पे, इसलिए ये इन सारी चीजों का इसी तरीके से ध्यान रखें और समझते रहें, सीखते रहें क्रिप्टो लाइव के जरिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे यानी शिवानी ठाकुर को दीजिए इजाजत, और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, फाउंडर इंडिया देखते रहिए, अपने सवाल हमें भेजते रहिए और इन्वेस्टमेंट को जारी रखिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।